नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मसी अस्पताल के जमीन बेचने वाले भूमाफिया सुधीर दास और बनी दास की रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय से सीधा जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि दूसरी बार सुधीर दास को जेल भेजा है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी सुधीर दास ने जल कल्याण के लिए मिली इस जमीन से जुड़े कई दस्तावेज व अहम जानकारी पुलिस से साझा किए। पुलिस इसकी जाँच कर राजस्व विभाग व रजिस्ट्रार कार्यालय से इसका रिकॉर्ड निकलवा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया फरार इनामी रसूख आरोपी सुधीर जैन ने यह जमीन अपने साले के नाम लीज पर करवाई है। आपको बता दें कि सुधीर जैन पर इनाम भी घोषित हो चुका है, भगोड़ा घोषित हो चुका है। इसके बाद इसने साले के नाम पर इसे 11 लाख रुपए में यह जमीन खरीद ली। पुलिस इन दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड सुधीर जैन ही है, जिसने अपने साले के नाम यह करोड़ों की जमीन औने पौने दाम पर खरीदी है। यह सेंट टेरेसा की 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को औने पौने दाम पर एक गिरोह के माध्यम से, जो कि भू माफिया गिरोह कहलाता है, इन सब ने मिलकर खरीदी है, जिसमें सुधीर दास सहित 35 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। इस प्रकरण में रसूखदार फरार आरोपी 28 नवंबर के बाद से ही फरार है। आपको बता दें कि अस्पताल की जमीन बेचने व खरीदने के मामले में पुलिस रिकॉर्ड खंगाल रही है और बताया जा रहा है कि इसमें और भी आरोपी षड्यंत्रकार करता है, उनके नाम बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ भी यह सूत्र बता रहे हैं कि सेंट टेरेसा से जुड़े कई आरोपी इस मिशनरी जमीन घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। नौगांव थाने पर इस मामले में एफआईआर दर्ज होने पर शहर के कई भूमाफिया भूमिगत हो गए हैं। वहीं शहर के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जमानत पर चल रहे कई आरोपी भी शहर में नहीं है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखें खबर इसके पिलाई न्यूज पर। मसी अस्पताल में जो बनी दास की गिरफ्तारी थी सुधीर दास की, पूछताछ में क्या बताया, उसमें कितने क्या आरोपी और बड़ा है, क्या नाम? अभी तक जो हमने 3 दिनों की उसकी पीआर ली थी, पीआर में जो है उसने सुधीर जैन का नाम बताया था, जो उसमें पूरा बातचीत और पूरा जो सौदेबाजी है उसी के साथ हुई है, और जिसमें हमने उसका नाम भी बढ़ाया है इस केस पे, और उसकी आज पीआर ख़त्म हुई, उसको हमने न्यायालय उसको जेआर के लिए भेज दिया गया है, और अभी लगातार की जांच चल रही है। हम दस्तावेज भी खंगाल रहे हैं, और इसमें जैसे भी जो भी इसमें साजिश करता और वो रहेंगे, आरोपी रहेंगे, तो उनको निश्चित तौर पर उनका नाम बढ़ाया जाएगा।